आदरणीय सम्मानित मंच और इस चिलचिलाती धूप में इस विशाल पंडाल में बैठे के बहनें और भाइयों, आपकी हिम्मत की मैं बहुत दाद देता हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे मैं देख रहा था कि इतने बड़े पंडाल में बहुत से लोग अभी ऐसे अब भी बैठे हैं जो बड़े मन से वक्ताओं का उद्बोधन सुन रहे हैं। अपने बीच कोली समाज के अंबेडकर, अखिल भारतीय युवा कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई इंजीनियर खेमचंद कोली जी से मैं प्रेरणा लेते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। दोस्तों, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। और कोली समाज जिस दिन जग गया अपना हक लेकर ही रहेगा। हमें कोली कहने में शर्म आती है। जरा अपना इतिहास को देखो। इस देश में 156 राजा कोली समाज के रहे, 156 से जीरो हो गए। जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो उत्तराखंड के एक सम्मानित राज्य मंत्री से मेरी फेसबुक पर बात चल रही थी कि गुजरात में इतना बड़ा समाज हमारा रहता है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी हम अपनी मांग क्यों नहीं रखते कि अपने इतने बड़े राज्य में सीएम अपने समाज का रहे। तो वो कह रहे, भाई साहब आप मजाक कर रहे हो क्या? मैंने उनको ये बोला था, अपनी आप मांग रखो तो सही, सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम नहीं तो सदन का नेता होना चाहिए। अपने आज के भारत में जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें लगभग 14-15 लोकसभा सदस्य अपने जीते, क्या हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो भला करेंगे समाज का, अपने देश का सर्व जो मैं कहता हूँ इस देश का जो राजा है वो अपने समाज से है। जो कभी बिहार के राज्यपाल रहे थे, मैं आपको वो घटना बता रहा हूँ जो उस समय हुई थी। जब वो बिहार के राज्यपाल रहे थे तो वहाँ बिहार में अपने समाज को ताती समाज से बोलते हैं, तो वहाँ पर एक मनु ताती अपने समाज से मजदूर था जो अपनी मजदूरी मांगने अपने मालिक के पास गया। 3 महीने की मजदूरी उसकी रुकी हुई थी और शाम को उसने बुलाया उसको पैसे देने के लिए, और पैसे ना दिया और उसको जिंदा ही थ्रेशर मशीन में डाल दिया। थ्रेशर मशीन वो होती है जो अनाज और भूसे को अलग करती है। और जब उस मशीन में डाल दिया तो उसके बेल्ट वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा सारा कुचल गया। और जब बेल्ट वाला हिस्सा जब फंस गया तो सुबह जब उस मैकेनिक को बुलाया और तब पता लगा कि उसको पैसे ना दिया और उसको उसमें थ्रेशर मशीन में डालकर उसको मार दिया। उस समय माननीय रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे, अपने समाज बंधु उनके पास पहुँचे, ना जाने क्या मजबूरी रही होंगी उनकी, वो उसको न्याय नहीं दिला पाए। जब बात अपने, मैं कई बार मन से बोलता हूँ कोली समाज के अंबेडकर, ये मैं कई बार बोलता हूँ, अपने खेमचंद कोली जी के पास जब बात पहुँची तो उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उस केस को रखा और ना उन दबंगों को सजा दिलाई अपितु उस परिवार को लगभग 13 लाख का मुआवजा दिलवाया। मैं कई बार इनकी गाड़ी में भिन्न भिन्न राज्यों में जाता हूँ तो इनके 90% फोन जो आते हैं समाज की समस्याओं को लेके लोग फोन करते हैं।
और मैंने इनका स्टाइल देखा है, तरीका देखा है, ये तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम अभी कल गुजरात में एक होटल में रुके थे तो अनेक बंधु वहाँ मिलने आए थे, हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है। उस समस्या में से एक समस्या ये मिली कि हमें यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो भोजन करते करते राज्यपाल जी से बात की और राज्यपाल जी ने कल शाम को 6 बजे का समय दिया। हमारी अपेक्षा थी कि 10 लोग हम समाज से वहाँ जाएं और गुजरात की विभिन्न समस्याओं को उनके सामने रखें, जो हमारे समाज की समस्याएं हैं। मगर राज्यपाल जी ने आग्रह किया कि केवल 5 लोग आओ और अपनी बात रखें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आरक्षण की मांग के अलावा अगर आपके पास कोई और मांग भी है जिसे खेमचंद कोहली जी के माध्यम से शायद उसका कल निपटारा हो जाए, तो आप लिखित में अध्यक्ष जी तक वो बात अपनी रखें, कल 5 बजे से पहले अगर पहुंचा दें तो शायद समस्या का उसका निवारण हो जाए। ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बात मैं और रखता हूँ, अखिल भारतीय युवक गोली गोली समाज रजिस्टर्ड दिल्ली, ये इतना बड़ा परिवार से आप लोग जुड़ गए और आपका मैं टीम दिल्ली की ओर से स्वागत करता हूँ। इस विशाल परिवार में आपका स्वागत है। देश में किसी भी हिस्से में यदि कोई समस्या हो, यदि कोई अपना समाज बंधु कोई फंस गया हो या कोई परेशान कर रहा हो, तो आप एक बार हमें याद जरूर कर लेना, शायद हम उसका निपटारा उसी समय हम कर पाए। होंगे इस देश में समाज के अनेक संगठन, मगर एक संगठन, केवल और केवल और केवल एक संगठन समाज की समस्याओं को तुरंत करने के लिए तैयार रहता है। मैं एक लाइन बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। देख तुझे उलझाएंगे वो, देख तुझे उलझाएंगे वो, तू भी प्रश्न उछाले रखना, राह बहुत है, सूरज तन्हा, अपने साथ उजाले रखना। जय कोली समाज।